रुद्रपुर थाना ट्रांजिट कैंप इलाके में शॉर्ट सर्किट के कारण शुक्रवार को अचानक फुटवेयर की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ट्रांजिट कैंप रोड पर आवास विकास निवासी प्रशांत कपूर ने अपनी दुकान को जलीस अहमद को किराए पर दे रखा है, जिसमें वह जूते चप्पलों का होलसेल और रिटेल का काम करता है। बता दें, जलीस अहमद शुक्रवार को दुकान का समापन लेने आगरा गया हुआ था। दुकान पर उनका बेटा उवैस बैठा हुआ था। उसी दौरान दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग पूरी दुकान में फैल गई और विकराल रूप ले ली। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के CFO कर्मियों के साथ वाहन लेकर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। वहीं दमकल के 3 वाहनों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। CFO ईशान कटारिया ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल दुकान स्वामी ने अग्निकांड में 10 से 12 लाख के नुकसान होने की बात कही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, तकरीबन 11:20 पे हमें 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रांजिट कैंप में एक जूते की दुकान में आग लगी है। हमने तुरंत पंतनगर और रुद्रपुर फायर स्टेशन से 3 गाड़ियों को भिजवाया और मौके पर मैं खुद भी मौजूद था और हमारे FSO भी थे। मौके पर पहुँच के हमने देखा कि आग काफ़ी भारी मात्रा में लगी हुई थी, क्योंकि वो जूते की दुकान थी, लेकिन हमारे जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। कितने सर फायर की टीम लगी थी और कितनी गाड़ियाँ थी? फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ हमने भेजी थी, 2